माय चैनल गाइस, मैं हूं मुमताज और आज का गेम बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसीलिए क्योंकि ये रिक्वेस्टेड आज का वीडियो है। बहुत सारे मुझे इसके लिए कमेंट आए थे कि प्लीज़ आप जो गेम ऑफ लाइफ है उसका हाउ टू प्ले का वीडियो बनाओ। तो मैं यहाँ पे आज का जो वीडियो है द गेम ऑफ लाइफ उसके बारे में हम डिटेल में जान लेंगे कि किस तरह से खेलते हैं, क्या कंपोनेंट्स हैं और बहुत ज़्यादा ही डिटेल में। आई होप आपको हमारा जो वीडियो है आज का पसंद आएगा। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आप इसका गेम प्ले का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप वो भी कमेंट कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा लेंदी बनेगा आई होप, लेकिन आपको बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि जो गेम है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो चलिए गाइस, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं हम द गेम ऑफ लाइफ। तो गाइज आपको इस तरह से एक बोर्ड मिलेगा यहाँ पे आपका गेम ऑफ लाइफ का। यहाँ पे ऑलरेडी हमने जो छोटी छोटी चीजें हैं यहाँ पे असेंबल कर चुकी है, तो बहुत ही इजीली आप इसको असेंबल कर सकते हो। यहाँ पे जो रूल बुक है उसमें इजीली यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि कौन सा चीज आपको कौन सा पार्ट कहाँ पे लगाना है। तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी असेंबल कर चुके हैं, तो ये रहेगा बोर्ड। तो उसके बाद देखते हैं गाइज अदर कंपोनेंट्स क्या क्या चीज हमें इसमें रिसीव होती है और उस और उन चीजों की डिटेल भी क्या है कंपोनेंट्स की। ठीक है गाइस, गेम में आपको इस तरह से आपको 6 कार्स मिलेगी, तो आप कोई भी अपना पसंदीदा कलर की कार वो आप चूज कर सकते हो। और यहाँ पे पिंक एंड ब्लू कलर के आपको इस तरह से पैक्स मिलेंगे। जैसे ही आपने डिसाइड कर लिया कि आप कौन सी कलर की कार चूज कर रहे हो तो आपको क्या करना है, एक पैक लेना है और उसको यहाँ पे इस तरह से एक लगा देना है स्टार्टिंग में। तो ये हो गई मेरी कार। और आपको डिफरेंट डिफरेंट काइंड के यहाँ पे कार्ड्स मिलेंगे जिनकी डिटेल हम देखेंगे। शेयर द वेल्थ कार्ड, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कार्ड, हाउस कार्ड, स्टार्टर होम कार्ड, कॉलेज करियर एंड करियर। तो ये अलग अलग टाइप के आपको कार्ड्स मिलेंगे जिनकी डिटेल हम देखते जाएंगे। उसके अलावा आपको यहाँ पे मिलती है बैंकर के लिए एक ट्रे मिलेगा आपको, जिसमें अलग अलग यहाँ पे आपको नोट्स को डिवाइड करके आप रख सकते हो। 5000 है, 10000 है, 20000 की नोट है यहाँ पे, 50000, 1 लाख और आपको बैंक नोट के यहाँ पे आपको स्लिप मिलेंगे और यहाँ पे आपको पे रेस के यहाँ पे आपको स्लिप मिलेंगे। तो इस तरह से आपको डिफरेंशिएट करके रख देना है। आप इनिशियली डिसाइड कर सकते हैं कि कोई एक प्लेयर आप बैंकर बन सकता है या फिर आप कोई भी प्लेयर यहाँ पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आप खुद ही बैंक से डील भी कर सकते हो। तो गाइस सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे आपको इस तरह से लाइफ टाइल मिलेगी, जिसमें फ्रंट में यहाँ पे आपको लाइफ लिखा होगा और इसके बैक साइड में हर एक टाइल के बैक साइड में यहाँ पे आपको अमाउंट मेंशन किया हुआ है। तो आपको क्या करना है, आपको ना टाइल्स को अच्छी तरह से शफल करने के बाद में आप 2 या 3 डेक बना के इस तरह से पूरे गेम में रख सकते हो। आपको कोई भी जब भी आप टाइल वाले स्पेस पे आते हो येलो स्पेस पे, तो आपको एक टाइल पिक करना है और आपको जो अपना जो भी अमाउंट आया वो किसी भी प्लेयर को दिखाना नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लाइफ टाइल। उसके बाद यहाँ पे हमें मिलते हैं गाइस स्पिन टू विन टोकन्स और एक यहाँ पे ना स्पिन टू विन स्ट्रिप मिलती है, जिसमें यहाँ पे हम नंबर्स मेंशन किए हुए 1 to 10 तक और हर एक प्लेयर के यहाँ पे आपको 4-4 आपको टोकन्स मिलेंगे। जैसे येलो प्लेयर है तो येलो प्लेयर के 1, 2, 3, 4, तो हर एक प्लेयर का हर एक कार का यहाँ पे आपको 4 टोकन्स मिलेंगे और ये स्ट्रिप मिलेगा जो जिसका जो यूज है हम गेम के दौरान देखेंगे कि स्पिन टू विन किस तरह से हम लोगों को करना है। यहाँ पे आपको जो है ये पर्पल कलर का कार्ड नजर आ रहा है, ये है गाइस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कार्ड होता है। इसका फायदा क्या और इसको किस तरह से यूज करना है, आपको गेम के इनिशियली हर एक प्लेयर को ना 10,000 रुपीज दिए जाते हैं, तो उस 10,000 रुपीज से आप यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कार्ड है वो आप परचेज कर सकते हो। तो कोई भी नंबर, इसके बैक साइड में नंबर लिखा हुआ है, सपोज यहाँ पे मैंने नंबर 4 सिलेक्ट किया, आप एक टर्न पे आप एक बार में सिर्फ एक ही कार्ड परचेज कर सकते हो। तो इसका फायदा ये रहेगा कि गेम के दौरान जब भी कोई भी प्लेयर स्पिन करेगा और स्पिन करने के बाद अगर उसको 4 आता है तो आपको एवरी टाइम बैंक से 5,000 रुपीज मिलेंगे। जब पूरे गेम के दौरान जब भी आप 4 नंबर आएगा तो आपको यहाँ पे 5,000 मिलेंगे। अगर आपको और भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कार्ड परचेज करना है तो आप अपने नेक्स्ट राउंड में या कभी भी गेम के दौरान 10,000 रुपीज पे करके आप यहाँ पे दूसरा कार्ड भी परचेस कर सकते हो, लेकिन एक बार में सिर्फ आप एक ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी आपके पास में सपोज 2 कार्ड हो गए, तो जब भी स्पिन में 2 या 4 आएगा तो आपको एवरी टाइम बैंक से आपको मिलेगा 5,000 रुपीज। तो चलिए गाइस देखते हैं कि यहाँ पे गेम स्टार्ट कैसे होगा।
तो सबसे पहला जो टर्न होगा फर्स्ट प्लेयर का वो डिसाइड करेगा ये स्पिनर। सभी प्लेयर को, जितने भी प्लेयर यहाँ पे खेल रहे हैं सभी को यहाँ पे स्पिन कर रहा है, और जिसका भी हाईएस्ट नंबर होगा तो उसका होगा फर्स्ट टर्न, और इसी तरह से क्लॉकवाइज सबका टर्न आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला गेम के इनिशियली आपको डिसाइड करना है शुरुआत में ही कि आप कहाँ से जाना चाहते हो। आप यहाँ से करियर से डायरेक्टली जाना चाहते हो या कॉलेज करियर से, और कितने प्लेयर है उसके हिसाब से अब यहाँ पे आपको अपना अपना जो कार्ड है वो सिलेक्ट कर लेनी है, और जितने प्लेयर नहीं खेल रहे ये चले जाएगा आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब ये गेम में यूज नहीं होगा। सभी प्लेयर, सपोज यहाँ पे मैं ब्लू प्लेयर हूँ, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो पैग है यहाँ पे आप अपनी चॉइस का पिंक या ब्लू पैग है यहाँ पे आपको इस तरह से आपके कार में लगा देना है, और यहाँ पे करना स्टार्ट। अगर आप डिसाइड करते हो कि आप यहाँ पे कॉलेज करियर से जाने वाले हो, तो इनिशियली आपको बैंक से 1 लाख रुपीज का लोन मिलेगा। तो लोन का जो यहाँ पे बैंक लोन यहाँ पे 20,000, 20, 20, इस तरह से आपको बैंक लोन के 5 नोट्स लेने हैं, ये बैंक आपको लोन दे रहा है। तो ये हो गया 1 लाख, और इसी के साथ में आपको जो अमाउंट है वो भी 1 लाख आपको लेना है अगर आप कॉलेज करियर से जाते हो। ये गेम के एंड में आपको जो भी लोन है बैंक का वो आपको रीपे करना होगा। एवरी 20,000 लोन पे आपको 5,000 एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे करना होगा। डेट में अगर आपने सपोज यहाँ पे 20,000 का लोन लिया है तो आपको इसके बदले बैंक को रीपे जब भी आप करोगे तो आपको 25,000 आपको रीपे करना है। तो अगर यहाँ पे आप कॉलेज करियर से जाते हो, आपने 1 लाख रुपीज ली है बैंक से, तो आपको 1,25,000 यानी कि 1,25,000 आपको बैंक को रीपे करना है। ये हो गया कॉलेज करियर के बारे में। अगर आप डायरेक्टली करियर स्टार्ट करते हो तो आपको ये साइड से जाना, आप देख सकते हैं यहाँ पे है करियर स्टार्ट। तो यहाँ पे करियर इनिशियली आपको गेम में क्या होगा कि यहाँ पे जो आपके करियर के कार्ड है उसमें से कोई भी आप अपना एक करियर चूज कर लोगे। आपको एक करियर यहाँ पे रैंडमली आपको ये डेक में से ले लेना है। तो सपोज यहाँ पे मुझे आया है एंटरटेनर, जिसकी सैलरी है यहाँ पे 50,000। तो यहाँ पे कार्ड में सब डिटेल आपको लिखी हुई है कि सैलरी यहाँ पे 50,000 है, और जो उसको टैक्स पे करना होगा गवर्नमेंट को यहाँ पे होगा 20,000। तो ये आपको इस तरह से यहाँ पे रख देना है। और एवरी प्लेयर यहाँ पे जो भी प्लेयर है सभी को इनिशियली यहाँ पे 10,000 यहाँ पे आपको, जिस तरह से मैंने बताया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कार्ड के बारे में, वो आपको इनिशियली मिल जाएगा 10,000 हर एक प्लेयर को। उसके बाद नॉर्मली क्या करना है, जिसका भी टर्न होगा आपको ये स्पिन करना है, और जितना भी नंबर है नंबर के हिसाब से आपको यहाँ पे आपका जो कार है वो मूव करनी है। तो गाइस अब ये बोर्ड में हम देखेंगे कुछ स्पेसेस आपको नजर आ रही होंगी, यहाँ पे येलो है, ब्लू है, ग्रीन है और ऑरेंज है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे जो येलो स्पेसेस है। तो फॉर एग्जाम्पल आपकी कार यहाँ पे आपने स्पिन किया, यहाँ पे है 6 नंबर, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो जो भी यहाँ पे येलो स्पेस में लिखा होगा आपको इमीडिएटली सॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपकी कार आई, तो यहाँ पे लिखा है स्प्रिंग ब्रेक इन फ्लोरिडा, पे 5,000, यहाँ पे आपको बैंक को पे करना है। तो जनरली क्या होता है, जब भी आप यहाँ पे येलो वाली स्पेस पे आएंगे तो आपको इमीडिएटली वो चीज सॉल्व करनी होती है, या तो आपको पे करना होता है या कलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे लिखा है कि आपको पे करना है 5,000, तो आप क्या करेंगे, बैंक को 5,000 पे करेंगे। तो इस तरह से मेरे पास में 10,000 का नोट है, तो मैं यहाँ पे 10,000 दे दूंगी और फिर रिटर्न ले लूंगी यहाँ से 5,000 बैंक से। तो इसी तरह से दो तीन स्पेस है, उसका हम एग्जाम्पल देखेंगे कि येलो स्पेसेस में क्या क्या चीजें हमें करनी है। कोई भी अगर आप येलो स्पेस में आते हो जहाँ पे आपको लाइफ कार्ड यहाँ पे मेंशन है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आते हो, अगर आप यहाँ पे लिखा ग्रेजुएशन डे, यहाँ पे लाइफ टाइल का सिंबल बना हुआ है, तो आपको इमीडिएटली क्या करना है, यहाँ से डेक में से कोई भी यहाँ पे पाइल में से आपको एक लाइफ टाइल जो वो उठा लेनी है, और कोई भी अदर प्लेयर को दिखाना नहीं, इसके बैक साइड में जो भी अमाउंट लिखा होगा वो कोई भी प्लेयर को नहीं दिखाना है, वो आपको रख लेना है। ठीक है, लास्ट में काउंट होगा आपका। सपोज यहाँ पे आपकी कार यहाँ पे थे ये येलो स्पेस पे जिसपे लिखा है टैक्स ड्यू। टैक्स ड्यू जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आपके हर एक प्रोफेशन में जहाँ पे आपका जो भी करियर है वहाँ पे आपका टैक्स अमाउंट लिखा होगा 20,000, तो आपको 20,000 इमीडिएटली आपको बैंक को पे करना होगा, ये आपका टैक्स ड्यू है। गैस कुछ और यहाँ पे येलो स्पेसेस पे देखेंगे कि यहाँ पे ना बेबीज लिखा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी कार यहाँ पे आती है जहाँ पे लिखा है कि बेबी गर्ल, अगर आपकी कार यहाँ आती है तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो लाइफ का यहाँ पे लाइफ स्टाइल का सिंबल बना है, तो सबसे पहले आपको यहाँ से डेक में से आपको एक लाइफ स्टाइल उठानी है। ये आपको अमाउंट किसी भी प्लेयर को नहीं दिखाना है, ये अमाउंट आपका हो चुका है। आपको यहाँ पे जो पिंक वाला जो पैग है वो लेना है, और आपको अपनी कार में जो यहाँ पे पैग लगा देना, मतलब कि आपको एक यहाँ पे बेबी हुआ है, और जैसे ही आपको यहाँ पे बेबी होता है आप टाइल ले लेते हो, आप पैग लगा देते हो, तो हर एक प्लेयर, जितने भी प्लेयर खेल रहे सभी प्लेयर आपको
5,000 देंगे, अगर एक प्लेयर है तो हर एक प्लेयर आपको 5,000 देगा आपके बेबीज होने पर। तो ये हो गया अमाउंट आपका। सपोज यहाँ पे है ट्विंस, अगर आप ट्विंस पे भी आते हो तो सेम ऐसे ही करना है, आपको यहाँ से एक टाइल उठानी है, ये अमाउंट लेना है, आपको किसी को दिखाना नहीं है। आपको और एक जो पैग है, यहाँ पे दो पैग लगेगा आपको, 1, 2, आपको दो बेबी हुए, एक लड़का एक लड़की, इस तरह से लगा दीजिए आपकी कार में, और हर एक प्लेयर फिर से आपको 5,000 देगा। गाइज अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे येलो स्पेस में है स्पिन टू विन। स्पिन टू विन आएगा तो आपको करना क्या, बहुत इंटरेस्टिंग वाला पार्ट है ये पूरे इस गेम में मुझे लगता है। तो स्पिन टू विन में करना क्या, जो अभी आपको आपको जो कलर का यहाँ पे टोकन है, सपोज यहाँ पे मेरा ऑरेंज कलर की जो कार है, आपको जो कार है यहाँ पे आपको जो टोकन है वो एक ले लेना है। यहाँ पे हर एक प्लेयर अपने अपने जो कार का जो टोकन है वो ले लेगा यहाँ पे, येलो ग्रीन एंड ब्लू प्लेयर, ब्लू प्लेयर ओके। तो ये चार प्लेयर यहाँ पे गेम खेल रहे हैं। तो वो लोग क्या करेंगे, जिसकी भी टर्न पे पहले यहाँ पे आया, सपोज यहाँ पे ऑरेंज वाले की कार यहाँ पे आई है स्पिन टू विन में, तो फर्स्ट उसको चांस मिलेगा कि ये 1 to 10 नंबर पे कोई भी नंबर पे अपना जो टोकन है वो रख सकता है। तो सपोज उसने यहाँ पे रखा 5 पे, फिर बाकी जो अदर प्लेयर है वो रखेंगे। ये येलो वाले ने रखा 7 पे, ग्रीन वाले ने रखा यहाँ पे 3 पे, और ये ब्लू वाले ने रखा यहाँ पे 1 नंबर पे। इस तरह से सब लोग अपने अपने नंबर पे यहाँ पे अपने जो टोकन से वो रखेंगे। उसके बाद में वो लोग यहाँ पे बीडिंग कर सकते हैं, जुआ खेल सकते हैं, और मैक्सिमम उनको लगाना सिर्फ अलाउड है स्पिन टू विन में 50,000, बस मैक्सिमम 50,000 ही लगा सकते हैं। तो सब लोग अपने अपनी कैपेसिटी मतलब हिसाब से लगा सकती है, जिसको ज्यादा लगाना है कम लगाना है। एक जुआ जैसे हो गया, आप हार भी सकते हो जीत भी सकते हो। सपोज किसी प्लेयर ने यहाँ पे लगाया 20, किसी प्लेयर ने यहाँ पे लगाया है 15, किसी प्लेयर ने यहाँ पे लगाया है 40, और किसी प्लेयर ने यहाँ पे सिर्फ लगाया है 10,000। तो इस तरह से चारों जो प्लेयर यहाँ पे खेलने वाले हैं वो अपने अपने अमाउंट यहाँ पे लगा देंगे। उसके बाद में होगा क्या कि यहाँ पे जो स्पिनर है उसको स्पिन करेंगे, जो ऑरेंज वाला प्लेयर है वो उसको स्पिन करेगा, और यहाँ पे देखते हैं कौन सा नंबर आता है। जिस भी प्लेयर का वो नंबर आ जाता है जहाँ पे उसने टोकन रखा था, तो उसको बैंक से 10 गुना अमाउंट ज्यादा मिलेगा। अब यहाँ पे पहले हम स्पिन करके देखते हैं कि क्या नंबर आता है। 3, तो ओ लवली, यहाँ पे 3 पे प्लेयर ने लगाया था यहाँ पे ग्रीन वाले प्लेयर ने, और उसने लगाया था यहाँ पे 40,000, दैट मीन उसको अभी बैंक से मिलेगा 4 लाख। तो वो ये जीत चुका है ग्रीन वाला प्लेयर, तो उसको बैंक से मिलेगा 4 लाख, और ये जो पूरा अमाउंट है जो अदर प्लेयर ने लगाए थे वो भी पूरा हो जाएगा यहाँ पे इस ग्रीन वाले प्लेयर का। इन केस ये हो गया जीतने का सिचुएशन, अगर यहाँ पे स्पिन करते हैं और कोई भी प्लेयर का यहाँ पे नंबर नहीं आता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्पिन किया और यहाँ पे आया 4 नंबर, और 4 नंबर पे किसी भी प्लेयर ने नहीं लगाया है अपना टोकन, तो जितने भी सब अमाउंट है वो लोग लूज कर दिए, सब हार चुके हैं, और ये सब जो अमाउंट है वो जाएगा सीधा बैंक को, ये सब अमाउंट उनके हाथ से चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया स्पिन टू विन का बेनिफिट। ये आप कह सकते हैं कि एक जुआ जैसा है कि अगर आप जीते तो 10 गुना मिलेगा, हारे तो आपका अमाउंट चला जाएगा। गाइस अभी इस बोर्ड में जो अलग कलर का स्पेस है, मीन्स ग्रीन कलर का स्पेस है, अभी हम उसको देखेंगे। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है पेडे। अगर आपकी कार यहाँ पे एग्जैक्टली पेडे में आती है या फिर पेडे को क्रॉस भी करती है, ये पेडे से आपका नंबर आके अगर वो क्रॉस भी करती है तो भी आपको पेडे मीन्स आपका जो सैलरी है वो मिलेगा। अभी आपका करियर क्या है उसके हिसाब से आपको हर एक कार्ड पे मेंशन किया है। सपोज अगर आप यहाँ पे है कंप्यूटर डिजाइनर, तो आपकी यहाँ पे सैलरी मेंशन है 50,000, तो आपको यहाँ से आपको बैंक से मिलेगा आपको सैलरी 50,000, तो ये होगी आपकी सैलरी। इसी तरह का और भी जो दूसरा एक स्पेस है ग्रीन स्पेस, आप देख सकते हो वहाँ पे मेंशन है यहाँ पे पेडे तो लिखा हुआ है, लेकिन उसके नीचे लिखा हुआ है कि 10,000 पेरेज। अगर आपकी कार एग्जैक्टली इस पे आती है या यहाँ से क्रॉस भी करती है ग्रीन स्पेस से पेडे से, तो आपकी यहाँ पे जो सैलरी है वो 10,000 इंक्रीज हो जाएगी। तो आपकी अगर सैलरी यहाँ पे 50,000 थी, तो यहाँ पे आपकी जो सैलरी है अभी 60,000 हो जाएगी, तो आपको बैंक से अभी 50 के बदले आपको मिलेगा 60,000, और आपकी सैलरी इंक्रीज हुई है, तो उसके लिए यहाँ पे एक टोकन है पेरेस का, आपको ये पेरेस का टोकन भी मिलेगा। तो ये टोकन आपको रख देना है आपके पास में, ताकि यहाँ पे पता चलेगा कि आपकी सैलरी यहाँ पे 10,000 पेरेस हुई है, बिकॉज यहाँ पे 50,000 कंप्यूटर डिजाइन की सैलरी है, तो मैक्सिमम सिर्फ 80,000 तक ही उसकी सैलरी बढ़ेगी। तो ये हो गया ग्रीन स्पेस का पेडे एंड पेडे पेरेस।
गाइज उसके बाद आती है ऑरेंज स्पेसेस के बारे में, तो हम लोग अभी देखेंगे ऑरेंज स्पेसेस। जैसे सबसे पहला जो बोर्ड में जो स्पेस है ऑरेंज, उसमें लिखा है कॉलेज करियर चॉइस। इसमें क्या होता है, जिस तरह से आप यहाँ से अगर कॉलेज से पढ़कर जा रहे हो तो आपकी जो कार है वो यहाँ पे आएगी और आपको चांस मिलेगा आपका करियर चूज करने के लिए। तो यहाँ पे जो कॉलेज करियर के जो कार्ड्स होंगे उसमें से आपको कोई भी एक कार्ड चूज करना है। सपोज यहाँ पे आपने यहाँ पे कार्ड शफल किया और आपने यहाँ से एक कार्ड उठाया और आप बन गए डॉक्टर। अरे वाह क्या बात है, आप पढ़ लिख के डॉक्टर बन चुके हो। तो यहाँ पे आपकी सैलरी होगी 1 लाख रुपीज, यानी कि एवरी पे डे में जब भी आप आओगे यहाँ पे तो आपको 1 लाख रुपीज बैंक से आपको सैलरी मिलेगा। अभी एनी हाउ जैसे आप ऑरेंज यहाँ पे आते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपकी कार यहाँ पे खड़ी और आपको आया नंबर 6 और ये 1, 2, 3 पे ऑरेंज स्पेस है, तो आपको कोई भी नंबर आने, तो स्पिनर में अगर ज्यादा नंबर आता है तो आप यहाँ पे 1, 2, 3 करके ऑरेंज स्पेस में आपको रुकना है एनी हाउ, यानी कि 4, 5, 6 यहाँ पे नहीं आएंगे, आपको ऑरेंज कलर पे रुकना कंपलसरी है। तो यहाँ पे रुक गए आप, यहाँ पे आपने अपना जो कॉलेज करियर है वो चूज कर लिया, आप बन चुके हो डॉक्टर। उसके बाद में आपको क्या करना है, फिर से आपको और एक चांस मिलेगा स्पिन करने के लिए, तो आपको फिर से स्पिन करना है। तो यहाँ पे आया नंबर 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो आपकी कार यहाँ पे चली गई है और एग्जैक्टली यहाँ पे आ गई है मूव टू गेट मैरिड। तो आपको क्या करना है, जैसी जो भी यहाँ पे येलो स्पेस पे लिखा है जिस तरह से मैंने आपको बताया, वो आपको एक्शन इमीडिएटली फॉलो करना होता है। तो आप यहाँ पे चले जाओगे गेट मैरिड में, तो आप यहाँ से सीधा जाते हो गेट मैरिड में, आपको यहाँ पे एनी हाउ रुकना है ऑरेंज स्पेस है तो आपको कंपलसरी रुकना होगा। यहाँ पे आते आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक टाइल मिलेगी, आपको ये एक लाइफ टाइल है वो मिलेगी, वो आपको रख लेना है, किसी भी प्लेयर को दिखाना नहीं है। उसके बाद में यहाँ पे आपको जो कार है ये आप हो प्लेयर हो, आपको यहाँ पे बिठाना है, एक पैग लगाना है, इससे पता चलेगा कि आपकी शादी यहाँ पे हो चुकी है। ठीक है, तो आपकी कार में आपकी दुल्हन अभी बैठ चुकी है यहाँ पे। उसके बाद में आपको जिस तरह से है कि ऑरेंज स्पेस में आने के बाद में आपको और एक चांस मिलता है स्पिन करने का, तो गेट मैरिड के बाद अगर आप स्पिन करते हो और आपको नंबर आता है 1, 2, 3, 4, तो आपको वेडिंग गिफ्ट किसी भी प्लेयर से नहीं मिलेगा। लेकिन आपका नंबर आता है 5, 6, 7, तो आपको हर एक प्लेयर है 5,000 आपको वेडिंग गिफ्ट देगा, हर एक प्लेयर यहाँ पे आपको 5,000 गिफ्ट देगा। और अगर ज्यादा नंबर आता है लास्ट के 3 नंबर जैसे 8, 9, 10 आते हैं, तो हर एक प्लेयर आपको 10,000 आपको वेडिंग गिफ्ट देगा। सपोज किसी प्लेयर के पास में वेडिंग गिफ्ट देने के लिए पैसे ही नहीं है, तो वो बैंक से 20,000 लोन ले सकता है, तो ये लोन का आपको एक स्लिप मिलेगा और इसी के साथ में आपको 20,000 का नोट भी मिलेगा, तब आप उसको वेडिंग का गिफ्ट दे सकते हो। ये आपको देना जरूरी है, शादी हुई तो गिफ्ट देना ही पड़ेगा आपको। उसके बाद में क्या करना है, आपको स्पिन करना है, जो येलो प्लेयर स्पिन करेगा उसको आया नंबर 3, तो 1, 2, 3 पे जाएगा, ये यहाँ पे गया 1, 2, 3 पे, और यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है उसको इमीडिएटली फॉलो करना है। तो जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं पढ़ देती हूँ, यहाँ पे लिखा टेक अ शेयर विद कार्ड, तो यहाँ पे जो हमारे कार्ड्स हैं जो हम लोग ने ऑलरेडी शफल करके रख चुके थे, वो एक कार्ड उसको पिक करना है। ये किसी भी प्लेयर को दिखाना नहीं है कि यहाँ पे आपको कौन सा वाला कार्ड है, आपको ऐसे ही रख देना है। ठीक है, उसी के आप आगे देखोगे तो यहाँ पे दूसरा है ऑरेंज स्पेसेस में लिखा है बाय अ स्टार्टर होम, तो आपकी कार अगर कोई भी नंबर है ज्यादा नंबर आता है तो भी आपको यहाँ पे रुकना है, और जो आपका स्टार्टर होम है वो आपको सिलेक्ट करना है। ये है स्टार्टर होम के कार्ड्स, आपको देख लेना है, यहाँ पे अलग अलग अमाउंट है 140, 180, 80,000, 1,20,000 और 1,00,000 का, तो आपके पास जितने भी पैसे होंगे उसके हिसाब से आपको यहाँ पे कोई भी स्टार्टर होम एक बाय करना है। सपोज अभी मेरे पास में सिर्फ 1,00,000 रुपीज है, तो यहाँ पे 1,00,000, हाँ तो ये जो स्टारो होम है मेरा 1,00,000 का, ये मैं ले लूंगी, और जो 1,00,000 रुपीज है ये मैं दे दूंगी बैंक को, तो अभी स्टार्टर होम हो गया मेरा। ठीक है, और जिस तरह से मैंने बताया कि आपको फिर से स्पिन करने का चांस मिलेगा, तो आपको और एक चांस लेना है स्पिन कर और आगे बढ़ते जाना है। गाइज नेक्स्ट जो ऑरेंज स्पेस है वहां पे आप देखिए जो लिखा है, जो भी लिखा है ना आपको वो चीज उसके हिसाब से फॉलो करनी है। यहाँ पे आपको ना दो ऑप्शन दिए जाते हैं कि रिटर्न टू स्कूल है तो आपको पे करना है 50,000, या फिर आपको नॉर्मल जो आपका जो पाथ लाइफ है उससे जा सकते हो। अगर आपको अपनी लाइफ में आपके करियर में कुछ भी चेंजेस नहीं करना है तो आप ये वाले रूट से जा सकते हो। अगर आप अपने करियर से खुश नहीं है, जैसे आपका ये आया है यहाँ पे कंप्यूटर डिजाइनर है, वो आप अपने करियर से खुश नहीं है, आपको लगता है कि आपकी सैलरी बहुत कम है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे बैंक को देना है 50,000 और आपको बोलना है कि मैं ये वाला करियर चूज कर रही हूँ,
तो फिर से आपको एक छोटा सा यहाँ पे कोर्स करना है, यहाँ पे आना है इस तरीके से, और यहाँ पे आने के बाद में आप फिर से यहाँ पे चांस मिलेगा आपको न्यू करियर चूज करने का। तो आप फिर से क्या कीजिए, यहाँ पे आइए और ये एक करियर चूज कर दीजिए। तो यहाँ पे आ गए आपको अकाउंटेंट, तो ये कंप्यूटर डिजाइनर की सैलरी थी 50,000 और यहाँ पे अकाउंटेंट है 70,000, तो आपको ऑलमोस्ट सैलरी 20,000 यहाँ पे बढ़ चुकी है। गाइस यहाँ पे फास्टली हम लोग हर एक ऑरेंज के स्पेस के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे भी आपको दो ऑप्शन मिलता है, टेक द फैमिली पाथ है यहाँ पे, अगर आपकी कार यहाँ पे है टेक अ फैमिली पाथ, और दूसरा यहाँ पे ऑप्शन है कंटिन्यू ऑन द पाथ ऑफ लाइफ। अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ भी चेंजेस नहीं चाहिए तो आप यहाँ से नीचे वाले यहाँ से रस्ते से जा सकते हो। अगर आपको फैमिली बनाना है, सपोज आपके यहाँ पे पूरे करियर में आते थे आपके पास में फैमिली नहीं है, आपको बेबीज नहीं हुए, बेबीज नहीं है, तो आप यहाँ से जा सकते हो क्योंकि यहाँ पे ज्यादा चांस है बेबी का, बेबी गर्ल है यहाँ पे, बेबी बॉय है और यहाँ पे ट्विंस होने का चांस है। जैसे आप देख सकती है ऑरेंज कार में ऑलरेडी बहुत सारे यहाँ पे बेबीज है, मतलब 3 बेबीज ऑलरेडी हो चुके, तो वो अगर चाहे तो वो नीचे वाले रास्ते से जा सकते हैं जहाँ पे बेबी का रूट नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे आप देखोगे ये येलो वाली जो कार है इसमें सिर्फ एक प्लेयर है और उसकी यहाँ पे बैठी है वाइफ, तो यहाँ पे उसको फिलहाल बेबीज नहीं है, तो वो अगर वो चाहे तो यहाँ पे चूज कर सकता है ये वाला पाथ, फैमिली पाथ। तो यहाँ से जाने से क्या होगा, उसको चांस मिलेगा बेबीज। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा वाला पाथ चूज करते हो। अगर आपको बेबीज चाहिए तो आप ये वाले पाथ से जाइए, अगर आपको बेबीज नहीं चाहिए तो आप नीचे लोअर वाले पाथ से जा सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे उसी के आगे जो ऑरेंज स्पेस है यहाँ पे आता है बाय अ बेटर होम। तो यहाँ पे हम लोग ने फिलहाल यहाँ पे जो स्टार्टर होम लिया था 1 लाख का, तो अभी हम लोगों को एक उससे भी ज्यादा और बड़ा अच्छा घर चाहिए क्योंकि अभी इस मोड़ पे आकर हमारे पास में बहुत सारे पैसे जमा हो चुके। तो यहाँ पे जो हाउस है वो हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा अमाउंट के घर है 6 लाख है, यहाँ पे 4 लाख है, 5 लाख, 8 लाख, सबसे मैक्सिमम है 8 लाख का, ठीक है 7 लाख, तो इस तरह से रहेगा। तो आप क्या कर सकते हो, आपने जो पहले यहाँ पे घर खरीदा था यहाँ पे जो 1 लाख का घर था उसको आप सेल कर सकते हो बैंक को, तो सेल करने पर आपको मिलेगा 1,05,000, तो आपको 5,000 का फायदा हुआ है, तो आप ये सेल कर सकते हो अगर ये घर लेने के लिए पैसे कम पड़े। तो सपोज अभी मुझे यहाँ पे लेना है 5 लाख का घर लेना है, तो ये मैं सिलेक्ट करती हूँ कि मुझे 5 लाख का घर चाहिए, तो मुझे जो अमाउंट है वो बैंक को पे करना होगा 5 लाख। नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट यहाँ पे जो ऑरेंज स्पेस है ये है, आपको यहाँ पे भी दो ऑप्शन मिलते हैं, एक है द सेफ पाथ लाइफ और दूसरा है द रिस्की पाथ लाइफ। अगर आपको सेफ रूट से जाना है तो आप यहाँ से जा सकते हो सीधे सीधे, अगर आपको थोड़ा सा रिस्की पाथ चाहिए तो आप यहाँ पे आ सकते हो। रिस्की में आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको 1, 2 और 3 आपको 3 जगह पे स्पिन टू विन आपको करने का चांस मिलेगा, और यहाँ पे आपको रिस्की है, आप अगर यहाँ पे आते हो तो आपको पे करना पड़ेगा 35,000 रुपीज, लेकिन उसके बदले अगर आप यहाँ से जाते हो तो यहाँ पे आपको कोई भी स्पिन टू विन नहीं है और यहाँ पे आपको पे करने का ज्यादा चांस नहीं। तो अब ये सेफ रूट हो गया और यहाँ पे थोड़ा सा लाइफ आपकी रिस्की है, तो अगर आपके पास में पैसे कम है, आप चाहते हो कि थोड़ा सा एक स्पिन टू विन करके आप थोड़ा सा एक लाइफ को रिस्क मोड पे लेके जाना चाहते हो, जुआ खेल के देखना चाहते हो कि मैं ज्यादा पैसा कमा सकता हूँ, तो आप यहाँ से आ सकते हो। तो ये लेकिन काफी इंटरेस्टिंग होता है यहाँ से जाएंगे तो, और काफी मजा भी आता है एक्चुअली गेम में, ठीक है। तो गाइज ये हो गया पूरी ऑरेंज स्पेसेस के बारे में, आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी स्पेस के बारे में आपको कुछ भी आपको डाउट है, क्वेश्चन है, क्वेरी, तो वो भी जरूर कमेंट करके आप पूछ सकते हो, ठीक है। गाइज यहाँ पे आपको बोर्ड में और एक कलर का जो स्पेस है वो नजर आ रहा होगा, ये है ब्लू कलर का स्पेस। अगर आप देखोगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि आप कोई भी अदर प्लेयर से 1 लाख रुपीज ले सकते हो लीगली, जैसे कि एग्जैक्टली जो आपका कार है ना वो ब्लू स्पेस पे आना चाहिए, ऐसा क्रॉस नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली अगर आप ब्लू स्पेस पे आते हो तो आप अपने कोई भी अपोनेंट प्लेयर से 1 लाख रुपीज ले सकते हो, तो उसको एनी हाउ आपको 1 लाख रुपीज देना होगा। इनकेस अगर वो प्लेयर के पास में पैसे नहीं है तो आप वो प्लेयर बैंक से लोन लेगा, लोन लेकर आपको पे करेगा, ठीक है। गाइज अभी गेम का जो लास्ट स्टेज है रिटायरमेंट, हम लोग अभी उसके बारे में यहाँ पे देखेंगे कि गेम एंड कैसे होगा और आपकी कार एंड कैसे होगी और लास्ट में आपको करना क्या होगा, आपको मिलेगा क्या चीज, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पे रिटायर हो जाते हो तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलता है, एक है मिलेनियर साइड और दूसरा यहाँ पे कंट्री साइड। अगर आप डिसाइड करते हो यहाँ पे मिलेनियर साइड जाओगे, जहाँ पे स्टार्टिंग में 3 टाइल्स यहाँ पे रखी हुई, तो उसमें से आप कोई भी एक टाइल चूज करोगे देख के सबसे ज्यादा अमाउंट किसका है, सपोज यहाँ पे 40,000 सबसे ज्यादा है, तो यहाँ से आप एक टाइल यहाँ से पिक कर सकते हो, तो ये टाइल हो जाएगी आपकी। तो ये तो हो गया एक फायदा, लेकिन इसका एक नुकसान भी है कि अगर आप मिलेनियर साइड चूज करते हो, जैसे कि आप देख सकते हैं जो पर्पल वाला प्लेयर है अभी तक इसका गेम फिनिश नहीं हुआ है, वो रिटायर नहीं हुआ है, लेकिन आप हो चुके हो पहले, तो जब भी वो स्पिन करता है और उसका जो
यहाँ पे कार है, कोई भी लाइफ में आता है, और यहाँ पे अगर लाइफ की टाइल यहाँ पे खत्म हो चुकी है पाइल में से, तो वो आपकी जो टाइल्स है वो वहां से आपसे स्टील कर सकता है, आपसे ले सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे आप चूज करते हो कि आप कंट्री साइड से जाओगे, सपोज आपने चूज किया कि मैं यहाँ से रिटायर हो रहा हूँ, तो आपको कोई भी टाइल नहीं मिलेगा। लेकिन जब भी कोई प्लेयर स्पिन करता है यहाँ पे टाइल अगर खत्म भी हो चुकी है तो वो आपसे स्टील भी नहीं करेगा। तो ये एक फायदा है कि यहाँ पे अगर कंट्री साइड से जाते हो तो आपका जो कोई भी टाइल है गेम के बाद वो कोई भी प्लेयर स्टील नहीं कर सकता है। और गेम के एंड में क्या होगा कि आपकी कार में जितने भी यहाँ पे आपको जो बेबीज है, एग्जाम्पल ये ऑरेंज कार में यहाँ पे कितने बेबीज है, 1, 2, 3 बेबीज है, तो आपको बैंक से मिलेगा 30,000। तो जितने भी कार में आपके बेबीज होंगे उसके हिसाब से यहाँ पे आपको बैंक देगा 30,000। तो फिलहाल अभी आपका गेम यहाँ पे फिनिश हो चुका है, लेकिन गेम में आप बने रहेंगे क्योंकि अदर प्लेयर अभी भी रिटायर नहीं हुए। जब सब प्लेयर रिटायर हो चुके होंगे उसके बाद में यहाँ पे स्कोरिंग होगी। गाइस गेम के एंड में सभी प्लेयर का, जब सब प्लेयर रिटायर हो चुके होंगे, तो सभी प्लेयर का यहाँ पे कैश अमाउंट कितना होगा, और जितनी भी उसने टाइल यहाँ पे पूरे गेम के दौरान परचेज की है, उसको टाइल्स रिसीव हुई है, तो वो सब टाइल के जो बैक साइड में जो अमाउंट लिखे है वो सब ऐड करना है, ये ऐड करना है। और जिस भी प्लेयर का सबसे ज्यादा अमाउंट होगा वो ये गेम जीत जाएगा, जिसका नाम है द गेम ऑफ लाइफ। आई होप गाइस आपको आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, आपको मजा आया होगा। अगर आप इसका गेम प्ले देखना चाहते हैं तो आप वो भी हमें कमेंट कर सकते हैं, थोड़ा सा लेंदी होगा लेकिन इसका ट्राई करेंगे हम गेम प्ले वीडियोस के लिए। गेम अच्छा लगता तो प्लीज गेम को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।